हेलो फ्रेंड्स, प्रीति वर्मा फूड चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पनीर चीज कटलेट। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं पनीर चीज कटलेट्स। पनीर चीज कटलेट बनाने के लिए यहाँ पर ये मैंने 100 ग्राम ग्रेटेड पनीर लिया है। इसको हम बड़े बाउल में डाल लेंगे। 1 टेबल स्पून करीब चीज ली है। 1 बॉइल्ड आलू लिया है, इसको भी मैंने ग्रेट कर लिया है। 2-3 टेबल स्पून इसमें ब्रेड क्रम्स ऐड कर देंगे। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1 पिंच करीब गरम मसाला। अब इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें से हम कटलेट की शेप बना बना कर हम रखते जाएंगे। इच्छा अनुसार किसी भी शेप में बना सकते हैं। इस तरह से इसी तरह हम बाकी के सारे कटलेट्स बनाकर तैयार कर लेंगे। ये मैंने सभी को इस तरह से शेप बनाकर तैयार कर लिया है कटलेट के। अभी यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून करीब मैदा लिया है। इसमें हम 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। इसका हमें पोरिंग कंसिस्टेंसी का घोल बनाकर तैयार कर लेना है। अब इसमें मैंने 1 पिंच करीब नमक डाल दिया है। इसको मिक्स कर देंगे। इस घोल में हमें ये जो हमने पनीर और आलू की बना के रखी थी बॉल्स, इनको इसमें डिप कर लेंगे। और ये यहाँ पे मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं, इसके ऊपर से इसको इस तरह से कवर कर देंगे। इस तरह बना बना कर हम इनको रखते जाएंगे सभी को। कटलेट को फ्राई करने के लिए यहाँ पर ये मैंने ऑयल रख दिया है गरम होने के लिए। ऑयल गरम हो गया है। अब ये जो हमने ब्रेड क्रम्स लगा के कटलेट तैयार करे थे, एक एक करके इसमें डाल देंगे फ्राई करने के लिए। यहाँ पर हम इनको सैलो फ्राई करने वाले हैं। इनको हम पलट देंगे एक बार। क्रिस्पी होने तक हमें इन्हें इसी तरह से दोनों तरफ से फ्राई कर लेना है। ये यहाँ पे कटलेट में अच्छा कलर आ गया है। अब हम इनको निकाल लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारे चीजी कटलेट्स बनकर तैयार हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।